कपूर की बात करें तो अर्जुन कपूर को उनके अलग से अंदाज के लिए बॉलीवुड में जाना जाता है। वहीं अर्जुन कपूर रिसेंटली हमें नजर आए थे इंडियाज मोस्ट वांटेड में। इस फिल्म को ऑडियंस का रिस्पांस तो इतना नहीं अच्छा मिला, बॉक्स ऑफिस पर तो इतनी अच्छी कलेक्शन नहीं की, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बहुत सराहा है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म को। वहीं अगर हम बात करें अर्जुन कपूर के फिल्मी ग्राफ की, तो अर्जुन कपूर की आने वाली भी बहुत सारी फिल्में हैं। अर्जुन कपूर की आने वाली बड़ी फिल्म की बात करें तो पानीपत फिल्म में वो नजर आने वाले हैं। पानीपत फिल्म जो की है, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई पर बेस्ड होने वाली है। और अगर हम बात करें इस फिल्म की, इस फिल्म में उनके साथ कृति सैनन भी नजर आने वाली है। और खास बात ये है कि संजय बाबा भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं अर्जुन कपूर के साथ। वहीं अगर हम इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म बड़े बजट की फिल्म होने वाली है। जैसा कि हमें लग रहा है कि ये पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है। पीरियड ड्रामा फिल्म जो होती है काफी मेहनत लगती है उन्हें बनाने में और बड़े बजट की होती है अक्सर। वहीं अगर हम इस फिल्म के बारे में रिसेंट अपडेट की बात करें तो रिसेंटली अर्जुन कपूर ने एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया है कि उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है और थोड़ा काम उन्होंने डबिंग का भी कर लिया है। आइए देखते हैं अर्जुन कपूर ने और क्या कहा इस फिल्म के बारे में। पानीपत यार शूटिंग खत्म हो चुकी है। पानीपत वी आर डन शूटिंग। आई हैव इनफैक्ट डन विद मोस्ट ऑफ द वर्क आई हैड इवन ऑन द डब। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश हूँ। संजू सर के साथ काम किया, कृति के साथ काम किया, पद्मिनी कोल्हापुरी, मुनीश बैल, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक वो एक कहानी ऐसी है जो हम सब ने ये वर्ड सुना है, ये शब्द सुना है, ये जगह जानते हैं पानीपत, वो जंग के बारे में सुना है, लेकिन हमको पता नहीं कि ये जंग क्यों हुई, कैसे हुई, क्या बाधाएं थी, क्या पॉलिटिक्स थे उस समय पे, किस तरह जब अफगानी आ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ तो कैसे एक विराट बलशाली हिंदुस्तानी सेना को एकजुट होकर लड़ना पड़ा था, और वो कैसे बनी थी सेना उस समय, जब मुगल भी थे, जब मराठा भी थे, जब हर तरह की कम्युनिटीज थी, हर तरह के लोग मौजूद थे हिंदुस्तान में, और तब ब्रिटिशर भी नहीं आए थे, तो एक बहुत नाजुक टाइम था हिंदुस्तान में। और जब ये वॉर इवेंचुअली हुई, किस कारणों से हुई और किस कारणों की वजह से कुछ चीज़ें, तो आज तक कॉन्सिक्वेंसेज उसके देखे जा रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि मराठा वैलर पर आज तक कोई फिल्म बनी नहीं है जो एक्चुअली जेन्युइन, आई मीन बाजीराव मस्तानी वॉज अ ब्यूटिफुल फिल्म, आई लव्ड इट, इट वॉज मोर अ कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म, यू नो, जहाँ पे हम तीन कैरेक्टर्स के थ्रू जी रहे थे। पानीपत डील्स आई थिंक मोर विद द वैलर ऑफ द मराठा कम्युनिटी एंड हाउ दे एक्चुअली वर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द लीडर्स ऑफ मेकिंग श्योर दैट वी टुक ऑन द अफगान। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। आशु सर बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत ही डिटेल के साथ ये फिल्म बनाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आएगी, दिसंबर 6 को लगने वाली है, लोग फिल्म की जो जेन्युइननेस है, जिस तरह से उन्होंने एफर्ट डाल के बनाई है, लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। ऑफ कोर्स एवरी फिल्म इज डिफिकल्ट, ऑब्वियसली पीरियड में यह नतीजा मुश्किल ही होता है कि आप कहीं ना कहीं यू वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक ऑल्सो, बट एंटरटेन भी करना पड़ता है। और मेरी लुक की वजह से मुझे और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था, क्योंकि आप सबको टोपी पहना रहा था और खुद भी टोपी पहन रहा था 9 महीने के लिए। 9 महीने में लोगों के बच्चे हो जाते हैं। मेरी फिल्म की शूटिंग खत्म हुई थी, बट आई होप इट पेज ऑफ यार, एट द एंड ऑफ द डे आई हैव जस्ट ट्राइड टू बी ऑनेस्ट एंड वी ऑल हैव। वाली फिल्म जब से अनाउंस हुई है तब से ऑडियंस में एक्साइटमेंट बनी हुई है अर्जुन कपूर और संजय दत्त को स्क्रीन शेयर करते हुए देखने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें, इस फिल्म का कंसेप्ट भी अच्छा होने वाला है। और ये फिल्म, जैसा कि अर्जुन कपूर ने भी मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया है, कि पानीपत की तीसरी लड़ाई पर बेस्ड होने वाली है। जो बातें हमें नहीं पता है उस लड़ाई के बारे में, वो बातें हमें जानने को मिलेंगी इस फिल्म के जरिए। ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये फिल्म इस साल के आखिर तक रिलीज हो सकती है, यानी दिसंबर में रिलीज हो सकती है, या फिर 2020 में तो ये फिल्म हमारे सामने आ ही जाएगी। अब देखना ये होगा कि सिनेमाघरों में आके पानीपत फिल्म कितना अच्छा परफॉर्म करती है।